हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 फ्लो थ्रू ऑरिफिस का पार्ट 7 इन फ्लूड मैकेनिक्स। आज हम जानेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टिंग ए टैंक थ्रू एन ऑरिफिस, यानी किसी भी टैंक को खाली करने में लगने वाला समय। आज हम जानेंगे कि उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यदि टैंक में कोई ऑरिफिस लगा हो। तो आप देखिए, कंसिडर ए टैंक कंटेनिंग सम लिक्विड अप टू अ हाइट H1, यानी मानिए कि कोई हमारे पास टैंक है जिसमें H1 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। लेट एन ऑरिफिस इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, उसमें उस टैंक के बॉटम में एक ऑरिफिस फिट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टाइम फॉर लिक्विड सरफेस टू फॉल फ्रॉम हाइट H1 टू H2, यानी हमें फाइंड आउट करना है टाइम जब लिक्विड H1 से H2 समय H2 सरफेस पर पहुँच जाता है, तो कितने टाइम में ये पहुंचा यहाँ तक, H2 हाइट होने में कितना समय लगा, H1 हाइट से H2 हाइट होने में कितना समय लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है। अब आप देखिए, लेट ए इज़ द एरिया ऑफ टैंक, मानिए ए क्या है हमारे पास, एरिया है टैंक का, और स्मॉल ए है हमारे पास है एरिया ऑफ ऑरिफिस। ए इज़ द एरिया ऑफ टैंक एंड स्मॉल ए इज़ द एरिया ऑफ ऑरिफिस। H1, जहाँ पर H1 है वो इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड है, यानी जो लिक्विड टैंक में भरा हुआ था इनिशियल हाइट पर H1, और फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड कितनी है टैंक में, H2 है। यहाँ पर आप देखिए H2, यहाँ पर मैंने इसे येलो से शो किया है इस सरफेस को, H2 सरफेस। अब आप देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट सम इंस्टेंट द हाइट ऑफ लिक्विड बी H अबव ऑरिफिस। हमने माना कि किसी इंस्टेंट पर, किसी भी समय पर, माना कि लिक्विड की हाइट कितनी है, एच है, कितनी है, एच है, और लेट लिक्विड सरफेस फॉल बाय एन अमाउंट डी एच, और जो लिक्विड का सरफेस है वो कितने अमाउंट से कम हो रहा है, डी एच, कितनी अमाउंट से गिर रहा है, डी एच अमाउंट से गिर रहा है, आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, कितने समय के बाद, डी टी समय के बाद कोई डी एच फॉल हो रहा है सरफेस ऑफ लिक्विड। अब आप देखिए, तो हम फाइंड आउट करेंगे कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो लीव कर रहा है टैंक को इन टाइम डी टी, यानी कितना वॉल्यूम। अब आप देखिए, वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू हाइट, तो आप देखिए एरिया हो गया टैंक का इंटू डी एच, इंटू डी एच, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। यही क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्चार्ज कहलाता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू, छोटे से हम इस स्ट्रिप पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि मतलब ये डी एच जितना हमारा फॉल हुआ है सरफेस, वो देखिए क्या आएगा हमारे, माइनस ए इंटू डी एच, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एच, जहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारी जो हेड है, जो हेड है लिक्विड का, वो कैसा हो रहा है, गिर रहा है, हाइट क्या हो रही है लिक्विड की, गिरे जा रही है, इसलिए माइनस ए इंटू डी एच। अब आप देखिए, डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस पर सेकेंड इन टाइम टी, यानी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्चार्ज कितना है। अब आप देखिए, डिस्चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि हम एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू ए एरिया ऑफ ऑरिफिस इंटू थियोटिकल वेलोसिटी, थियोटिकल वेलोसिटी कितनी है थ्रू दी ऑरिफिस, अंडर रूट 2gh, क्योंकि हमें पता है क्यू थियोटिकल इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और कि इन टाइम डी टी, डी टी समय में जो पर सेकेंड है वो कितना है डी टी समय में, तो डी टी सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट 2gh इंटू डी 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 टी, तो ये हो गया हमारे पास डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस पर सेकेंड इन टाइम डी टी। ये तो हमारे पास हो गया डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस पर सेकेंड सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट 2gh, क्योंकि हमें पता है डिस्चार्ज क्या होता है हमारे पास, एरिया इंटू वेलोसिटी, और एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए है, इंटू डी टी समय में, तो यहाँ पे क्या आ गया डी टी। अब आप देखें, इक्वेशन 1 भी हमारे पास डिस्चार्ज है कि कितना वॉल्यूम लीव कर रहा है वाटर इन टैंक टी 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 समय में, और ये भी हमारे पास क्या है डिस्चार्ज है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो माइनस ए इंटू डी एच इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट 2gh इंटू डी टी। तो अब आप देखिए, जो डी टी हम समय कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी टी को आप एक तरफ ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सब एक तरफ ले जाएंगे, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एच अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट 2gh। अब आप देखिए, ये तो हमने एक इंस्टेंट टाइम के लिए फाइंड आउट किया है, ये तो हमने एक इंस्टेंट समय में इतना हमारे पास क्या होता है, लीव होता है टैंक में, यानी खाली होता है, परंतु हमें पूरे टैंक के लिए फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए, टोटल टाइम इज ऑब्टेंड बाय इंटीग्रेटिंग लिमिट्स बिटवीन H1 एंड H2, यानी हमें पता है पहले लिक्विड का लेवल कितना था, H1 तक था,
और अब कितना हो गया एच टू, तो एच वन से लेकर एच टू लिमिट के अंदर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए जो डी टी टाइम है उसको आप जीरो से टी समय तक, माने कि टी समय में हमारा टैंक क्या होता है एच टू लेवल पर आता है, तो जीरो टू टी क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स जीरो टू टी डी टी इज इक्वल टू, अब आप देखें जो हमारे पास ये है इसको हम, ये टोटल टाइम जो हमारे पास आया है इसको हम किससे इंटीग्रेट करेंगे एच वन और एच टू लिमिट से। तो देखिए एच वन लिमिट से लेकर एच टू लिमिट तक इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ए इंटू डी एच अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी एच। देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारे पास आ जाएगा टी, ये हमारे पास लिमिट चढ़ जाएगी अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट क्या है जीरो। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे माइनस ए इन अपॉन सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी, हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं एच के, हेड के, तो यहाँ पर हेड हमें गिवन है अंडर रूट एच, तो अंडर रूट एच को हम यदि ये बट्टे में है तो यदि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी माइनस में चढ़ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट से एच वन से लेकर एच टू तक एच टू दी पावर माइनस हाफ डी एच। तो आप देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन, यदि इंटीग्रेशन में एक्स की पावर यदि हाफ है कुछ तो क्या होगा इसका एक्स हाफ प्लस वन अपॉन में हाफ प्लस वन, इस प्रकार से होता है। तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या होगा एच, देखिए माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एच अपॉन में हाफ आ जाएगा, अंडर रूट एच अपॉन में हाफ एच टू और एच वन, आप यहाँ पर लिमिट लिख दें अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पर क्या करें लिमिट्स को रख दें, क्योंकि लिमिट्स हमारे पास क्या थी एच टू अपॉन में एच वन, बट्टे क्या था हाफ, तो देखिए हाफ को हमने यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि हाफ का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो टू यहाँ पे आ गया बाहर माइनस टू ए अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी ब्रैकेट अंडर रूट एच टू माइनस अंडर रूट एच वन, ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए यदि हमें एच वन पहले करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, और जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यदि जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये जो भार माइनस टू ए है ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो टू ए अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी, यहाँ पर ए स्मॉल ए क्या है एरिया ऑफ ऑरिफिस है। अब देखिए अंडर अंडर रूट एच वन माइनस अंडर रूट एच टू, तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम जो एच वन से लेकर एच टू तक जब टैंक एच वन लेवल पर था और अब जब टैंक एच टू लेवल पर हो गया उस दौरान कितना टाइम लगा टैंक को खाली होने में, वो क्या है हमारे पास टी, ये आ गया हमारे पास टाइम। अगर आप देखें टैंक बिल्कुल खाली हो गया यानी एच टू यानी जो फाइनल लेवल है लिक्विड का वो क्या है जीरो है, तो आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट एच टू की जगह आप क्या रखेंगे जीरो रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी टू ए इंटू अंडर रूट एच वन अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब आप देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इस टैंक पर ही हम बेस न्यूमेरिकल करेंगे कि यदि जब किसी ऑरिफिस के बॉटम पर यदि कोई ऑरिफिस लगा हुआ है किसी टैंक के बॉटम पर तो हम उसमें न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल, तो ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 4 मीटर कॉन्टेन्स वाटर अप टू अ हाइट 5 मीटर, मैं आपको यहाँ पर एक ड्राइंग बनाकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है एक टैंक है, ये देखिए एक टैंक है जिसका डायमीटर कितना है 4 मीटर है, देखिए डी यहाँ पर लिख दीजिए डायमीटर ऑफ टैंक 4 मीटर है, कंटेन अ लिक्विड अप टू अ हाइट 5 मीटर, देखिए हेड क्या है हमारे पास एच वन 5 मीटर है यानी 5 मीटर हाइट तक भरा हुआ है, द टैंक इज प्रोवाइडेड विद एन ऑरिफिस ऑफ डायमीटर 0.5, यहाँ पर आप एक ऑरिफिस लगा दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से, इससे क्या हो रहा है हमारा वाटर गिरेगा, तो यहाँ पर आप देखिए बॉटम पर हमने एक ऑरिफिस लगा दिया जिसका डायमीटर डी टू हमारे पास कितना है डी टू या स्मॉल डी से आप इसे डिनोट करें 0.5 मीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय वाटर, हमें टाइम टेकन निकालना है बाय वाटर टू फॉल, पहली कंडीशन है टू फॉल फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर यानी ये 5 मीटर से यदि 2 मीटर तक फॉल हो जाए तो कितने टाइम लगेगा, तो ये हमारे पास एच टू क्या आ गया यहाँ पर 0.5 मीटर, एच वन क्या है हमारे पास 5 मीटर। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है टाइम टेकन जो हम निकालते हैं कि कितना टाइम लगा एच वन से एच टू तक जाने में, तो हमारे पास फॉर्मूला है टू ए इंटू अंडर रूट एच वन माइनस अंडर रूट एच टू अपॉन में सी डी इंटू ए इंटू अंडर रूट टू जी, तो यहाँ पर आप देखिए हमें एरिया ऑफ टैंक और एरिया ऑफ ऑरिफिस निकालना, ऑरिफिस को फाइंड आउट करना कंपलसरी है, तो आप देखिए
डायमीटर ऑफ टैंक से आप एरिया निकाल दीजिए टैंक का, क्या आएगा पाए कैपिटल डी का स्क्वायर बाय 4। तो कैपिटल डी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रखिए तो हमारे पास आ जाएगा 12.566 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए, एक हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल ए यानी एरिया ऑफ ऑरिफिस, तो ये हमारे पास क्या होगा पाए इंटू 0.5 का स्क्वायर बाय 4, तो हमारे पास आएगा 0.1963 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करें, इस फॉर्मूले में इन सभी चीज़ों की वैल्यूज़ रख दीजिए, H1, H2, कैपिटल A, स्मॉल A, और कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, वो हमारे पास है 0.6, वो हमको गिवन है 0.6। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना आएगा 39.58 सेकेंड्स। तो हमारे पास टाइम कितना आएगा 39.58 सेकेंड, यानी 5 मीटर से 2 मीटर तक खाली होने में जो टैंक है उसको कितना समय लगता है 39.58 सेकेंड का समय लगता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, फॉर कम्प्लीटली एम्प्टिंग द टैंक, यानी जब टैंक बिल्कुल ही एम्प्टी हो जाए यानी कोई वाटर इसमें बचे ही ना, तो इसमें H2 क्या होगा हमारे पास, इन दिस कंडीशन H2 इज जीरो, H2 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जब हमें पता है H2 जीरो हो जाता है तो इस फॉर्मूले में जो माइनस अंडर रूट H2 होता है वो जीरो हो जाता है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है T = 2A इंटू अंडर रूट H1 अपॉन में CD इंटू स्मॉल A इंटू अंडर रूट 2G, हमारे पास फार्मूला है। तो आप देखिए, जब आप यहाँ पर सेम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करें, एरिया ऑफ टैंक आपको पता है, एरिया ऑफ ऑरिफिस आपने फाइंड आउट कर लिया है, H1 आपको पता है 5 है, और G की वैल्यू भी आपको पता है 9.81 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर आप वैल्यूज़ को रख दें तो हमारे पास जो टाइम आएगा जब टैंक हमारा पूरा खाली हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, जो टी आएगा हमारे पास वह कितना आएगा 107.7 सेकेंड्स। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया रिलेटेड टू इस जो कंडीशन हमने देखी थी कि जो यदि किसी ऑरिफिस के बॉटम में, किसी टैंक के बॉटम में यदि कोई ऑरिफिस लगा है तो वह अगर हाइट H1 पर है तो हाइट H2 तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, यानी टैंक को खाली होने में जो समय लगेगा उस पर आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।